उत्तराखंड में लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है। मौसम में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब जिला प्रशासन भी अपनी कमर कस चुका है और जिला प्रशासन की तरफ से लगातार अलाव का प्रबंध जगह जगह पर किया जा रहा है। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया है कि सर्दी के मौसम को देखते हुए राजधानी देहरादून के मैन चौराहे जैसे ISBT रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट आदि जगह पर अलाव का प्रबंधन किया जा रहा है। काफी लोगों ने यहाँ पे अपने जो गर्म कपड़े हैं जो कि अब वो यूज़ नहीं करते हैं वो देना चालू किया है। हमारी जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनमें भी काफ़ी कपड़े हैं जो लोग डाल के जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और हमने उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी चालू कर दिया है। कुछ लोग जो मेरे यहाँ ऑफिस में भी आते हैं उनको भी हम ये जो गर्म कपड़े हैं उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं और अब हम जो हमारे पास कपड़े उपलब्ध हुए हैं उनको हम अब वितरण की कार्यवाही शुरू कर रहे हैं।